मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सरकार बहनों के सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है। हमारी सरकार ने तय किया है कि चुनाव के समय हमने जो जो घोषणाएं की थी उसे हम पूरा करेंगे। हमने लाडली बहना और उज्ज्वला योजना की बहनों को 450 में सिलेंडर देने की घोषणा की थी, हम वह देने जा रहे हैं और साथ ही रक्षाबंधन पर बहनों को 1500 रुपये दिए जाएंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, सावन का महीना है, बहनों के लिए मध्य प्रदेश सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार नारी सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है और हमारी सरकार ने तय किया है कि जो संकल्प पत्र हमने चुनाव के पहले जिन जिन की घोषणा की है, क्रमशः हम सबके सब संकल्प पूरे करने जा रहे हैं। एक हमने घोषणा की थी कि लाडली बहना और उज्ज्वला गैस कनेक्शन की सभी बहनों को 450 रुपये में सिलेंडर देंगे, वो सिलेंडर हम देने जा रहे हैं। साथ ही साथ जो अभी तक 1250 रुपये मिलते थे, हमारी बहनों को रक्षाबंधन के अवसर पर सभी बहनों को इसके 1250 के अतिरिक्त 250 रुपये और जोड़कर लगभग 1500 रुपया इस अगस्त माह हमें मिलेगा। और खासकर ये त्यौहार हमारा रक्षाबंधन का त्यौहार है, ऐसे में रक्षाबंधन का आनंद बहन भाई की कलाई पे राखी बंधवा करके जो आनंद महसूस करता है उसका आनंद ही अलग होता है। हमारे संस्कृति में ऐसे सभी त्योहारों का विशेष महत्व है, लेकिन सारे त्योहारों में सबसे बड़ा त्यौहार रक्षाबंधन का त्यौहार है। इस पावन अवसर की आज शुरुआत हो रही है, न केवल मैं स्वयं इसमें शामिल हो रहा हूँ बल्कि पूरे प्रदेश के हमारे सभी माननीय मंत्री, सांसद, विधायक, अलग अलग जनप्रतिनिधि धीरे धीरे करके ये पूरा माह हमारा आनंद से मनेगा। मेरी अपनी ओर से सभी बहनों को सावन महीने के अवसर पर बहन की जो विशेष इच्छा होती है कि भाई उनके पास पहुंचे और रक्षाबंधन में भाग ले, सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।